क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लास्टिक के पहाड़ों का क्या होगा? क्योंकि इनका डिकम्पोजिशन तो लगभग असंभव है। प्लास्टिक, जिसे 400 से 500 साल का अमृतत्व का वरदान है, इस्तेमाल के बाद केवल प्रदूषण का कारण है। अगर इसे जलाया जाए तो एयर पोल्यूशन, पानी में बहा दिया जाए या बह जाए तो वाटर पोल्यूशन, और ज़मीन पर रहे तो लैंड पोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन है क्या? आइए चलिए जानते हैं। आज हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास। वैक्स वॉर्म्स के रोल को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और हनी बीज, जिनके कॉम में या छत्ते में ये पैदा होते हैं, उनके बारे में जानने के लिए आप पिन्ड कमेंट में वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने ऐसे पिक्चर्स सोशल मीडिया या इंटरनेट पर काफ़ी देखे होंगे, पर क्या आपने गौर किया है ऐसा हो कैसे रहा है? हमें इससे क्या नुकसान है? जर्नल ऑफ द कोरियन सोसाइटी फॉर मैरीन एनवायरनमेंट एंड एनर्जी के मुताबिक 1.1 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल ओशियन में एंटर करते हैं, और एक एस्टिमेट के मुताबिक कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि 2050 तक समुद्र में मछली से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होगा। अगर वेट के नज़र से देखेंगे तो ज़मीन पर पहले लैंडफिल्स और अब प्लास्टिक वेस्ट के पहाड़ बन गए हैं, जो हमारे लिए एक डेंजर साइन है, क्योंकि इन सारे पोल्यूशन से किसी न किसी फॉर्म में प्लास्टिक हमारे खाने में पहुंच रहा है और वहां से शरीर में, जो अल्टीमेटली हमें बीमार बना रहा है और हमारी लाइफ घटा रहा है। इन सारे दुख के बातों के बाद एक खुशखबरी है, यह है कि एक कीड़ा मिला है जिसे वैक्स वॉर्म कहते हैं। ये आमतौर पर मधुमक्खियों के छत्ते में मिलता है, क्योंकि ये छत्तों के वैक्स को खाकर पचा लेता है। वैक्स वॉर्म के सलाइवा में दो एंजाइम होते हैं, डिमेट्रा और सेरेस, जो पॉलिथीन प्लास्टिक को इथिलीन ग्लाइकॉल, जो एक तरह का शराब है, उसमें बदल देता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, और ऐसे ये प्लास्टिक को ख़त्म करता है। पर इनके खाने का रेट काफ़ी स्लो है। एक वैक्स वॉर्म 12 घंटों में केवल 0.1 ग्राम प्लास्टिक खाता है। तो अब हमारे सामने ये समस्या आती है कि इससे ये काम करवाया कैसे जाए? अगर हम सिल्क वॉर्म्स की तरह इनका भी पालन करके प्लास्टिक के पहाड़ों पर छोड़ दें तो क्या होगा? वैक्स वॉर्म्स जो हैं, वो वैक्स मॉथ्स का कैटरपिलर लार्वा होते हैं, जो बड़ा होकर मॉथ बनकर उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो प्लास्टिक नहीं खाते, और इस तरह से कीड़ों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी और एक नया प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट इनके सलाइवा में मौजूद एंजाइम को बनाने में लगे हुए हैं, जिससे इस केमिकल का छिड़काव प्लास्टिक वेस्ट पर करके बायोडिग्रेडेबल बनाया जा सके। पर इकोनॉमिकल तरीके से ये बनाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। जब तक साइंटिस्ट प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव या इसका नेचुरल तरीके से डिकम्पोज करने का तरीका नहीं ढूंढ लेते, तब तक हम लोगों को प्लास्टिक को बिल्कुल समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए और जहां तक संभव हो अवॉइड करना चाहिए। हम लोग सामान लाने के लिए कपड़े के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक या स्टायरोफॉर्म के प्लेट्स और कप के जगह पर पेपर्स के बने चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जहां तक संभव है, आप अपने तरफ से कम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारी धरती है और इसे साफ रखना और अच्छा रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, हमारे और आपके साथ से ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।